नाइट स्कूल ऑफ ग्रेड अप आप कह सकते हैं. वी आर ब्रिंगिंग स्पेशल क्लासेस फॉर यू. तो आज भी हम 10 बजे मिल रहे हैं फॉर अ वेरी अमेजिंग एंड एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज एजुकेशन कमीशंस. और हम इन सारे एजुकेशन कमीशंस को, बट टुडे आई विल बी टेकिंग ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के जितने भी आपके शिक्षा के कमीशंस हैं, जितने भी आपके शिक्षा में कमीशंस हुए हैं, that we will be doing today, right? So quickly keep on joining. I hope most of you are here. Let me see कितने बच्चे आ गए हैं. We'll start in a while. Most of you should be here because ये बहुत important class है. हमने इसको specially रात को 10 बजे रखा है ताकि आप अपने सारे काम आराम से निपटा कर आए और सब कुछ revise करें, right? So hi Sangram, Yashoda. Sangram is from Australia. Okay, so we are actually getting some benefit out of this timing, but I guess Australia mein to time abhi aur zyada. Okay, yes. So Australia ka time ke hisab se we are matching the timings as well. Very nice, very nice. Hi Moti, hi Anjali, hi Sushil, hi Bipasha, Baghel, Shahida, Namita, Ranjana, Sanchita. चलिए, वेरी नाइस. सब लोग आ जाओ जल्दी से. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एजुकेशन कमीशंस इन 1 आवर. तो हम 1 घंटे में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सारे एजुकेशन कमीशंस करेंगे. इससे पहले जल्दी से एक बार लाइक कमेंट कर देना, नॉट कमेंट बट शेयर कर देना. कमेंट बाद में करना जब क्लास हो जाएगी, ठीक है? वी प्रोवाइड द इंटायर नोट्स एंड द नोटिफिकेशन ऑन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज पेपर 1 बाय तोशिबा गुलशन मैम एंड निशांत सर, ठीक है? तो हम जल्दी से शुरू करते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. आई होप आप सब पानी वानी लेके बैठे हैं और आई होप आप सब कॉपी और पेन लेके भी बैठे हैं. दिस स्लाइड्स आई हैव मेड जस्ट नाउ. आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड. आई वाज थिंकिंग टू टीच यू ओवर द बोर्ड ओनली, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स में स्लाइड्स भी बना दूं, ठीक है? तो अभी स्लाइड्स बनाई हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. सो एजुकेशन कमीशन अगर हम बात करें, ठीक है, शिक्षा के जितने भी कमीशन आए हैं, आयोग आए हैं, हम जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी, व्हेन वी वर रूल बाय द ब्रिटिश, जब हम कॉलोनियल पावर के तहत रूल किए जा रहे थे 1600 से लेकर 1947 तक, राइट, दैट टाइम ऑल्सो वी सॉ मेनी कमीशन एंड कमिटी. अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में जाएं तो सबसे पहले जो आपका एजुकेशन कमीशन आया था दैट वॉज 1813. 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया था, राइट. इसके बाद 1835 में मैकॉले एक्ट आया था, मैकॉले मिनट आया था, वेरी इंपॉर्टेंट मिनट. देन 1835 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन आया था जिसको हमने बोला था वुड्स डिस्पैच. तो ये सारे जो कमीशन हैं, हंटर आयोग भी आया, ठीक है, उसके बाद वर्धा प्लान आया, उसके बाद सप्रू कमीशन आया, सो मेनी कमीशन केम, बट ये सारे के सारे आपके प्री इंडिपेंडेंस थे, जब हम आजाद नहीं हुए थे. तो ये शुरुआत होती थी 1813 से, चार्टर एक्ट, जब 1 लाख रुपए शिक्षा को हमने दे दिए थे, राइट. हाँ जी, सारे 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 कमीशन हम ये किसी और क्लास में करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस. तो 1813 से तो सिलसिला शुरू हुआ था. 1 लाख रुपए हमने बजट में दिए थे, हमने नहीं, अंग्रेजों ने. सो द ब्रिटिशर्स गेव 1 लाख रुपी टू द पीपल सो दैट एजुकेशन में लगाया जाए. देन सर्जेंट प्लान, सर्जेंट प्लान से ये कहानी खत्म होती है. 1944 में सर्जेंट प्लान आया, तब उस तक हमने सारे कमीशन हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब तक थे. फिर अचानक से क्या हुआ, वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट. सो यू कैन सी हेयर द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. ये एक बहुत ही, हाँ जी, ये एक बहुत ही फेमस कविता है, या बोल सकते हैं स्पीच है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी आजादी पे, राइट. तो उन्होंने क्या बोला था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. मतलब जब पूरा देश, पूरी दुनिया सो रही है, तब भारत जाग रहा है एक नए उजाले के लिए, दैट इज वी सॉ द फ्रीडम. सो इस पूरे जो भी ये चीजें, सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा था, सबसे पहले 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, आपको पता है ना. 1947 के बाद आई विल चेंज द कलर ऑफ द इंक, होपफुली आपको अच्छे से दिखेगा. हाँ, 1947 के बाद 1948 में, सो दैट टाइम इंडिया, हाँ,
वेरी यंग एज अ न्यूली फॉर्म्ड नेशन, अ न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेसी. उस टाइम बहुत लोगों को लग रहा था कि भारत कैसे कर पाएगा, क्या भारत इतने बड़े चुनाव कर पाएगा, क्या भारत अपने आप को अपने खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, बिकॉज आदत नहीं थी ना. बट हमने इतनी मुश्किल से अपनी आजादी पाई थी. वी वर प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग. सो शिक्षा वॉज नॉट अ वेरी मच ऑन अ हाई प्रायोरिटी. एजुकेशन बहुत प्रायोरिटी नहीं था, बट स्टिल वी टुक वेरी गुड स्टेप. सबसे पहले जो कमीशन आ गया था वो 1948 में आया था, उसका नाम था राधा कृष्णन कमिटी. मैं अभी आपको सिर्फ सारे कमीशन्स लिख के बताऊंगी, फिर हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे. फाइन, सो अभी क्रोनोलॉजी समझते हैं, फिर एक-एक करके डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट कमीशन वॉज राधा कृष्णन. इसको याद कैसे करोगे? एनीथिंग न्यू वी डू, हम जब भी कुछ नया करते हैं, हम बोलते हैं ना अंताक्षरी भी खेलते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, राइट? सो यहाँ पे हमने प्रभु का नाम, दैट इज यू नो राधा कृष्णन जी, उनका नाम लेके हमने पहला आयोग बनाया. सो फर्स्ट थिंग यू कैन रिमेम्बर वॉज इन द नेम ऑफ गॉड. 1948 के बाद एक आयोग आया 1952 में. 1952 में जो आयोग आया था उसका नाम क्या था बताइए. आई नो एवरी वन मस्ट बी नोइंग दैट. यस, द 1952 कमीशन वॉज द मुदलियार कमीशन. मुदलियार, सो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है, ये मद्रास यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वाइस चांसलर थे. उनके तहत हमने एक और कमीशन बनाया. इसको कैसे याद करोगे? राधा कृष्णन पहला था, इट वॉज राधा कृष्णन. और राधा कृष्ण, कृष्ण जी क्या बजाते हैं? कृष्ण जी क्या प्ले करते हैं? कृष्ण जी फ्लूट प्ले करते हैं, राइट? मतलब बांसुरी. बांसुरी को हम क्या बोलते हैं? मुरली भी बोलते हैं. सो यू कैन रिमेम्बर कृष्ण के बाद मुरली, मुदली से यू कैन रिमेम्बर दिस सिमिलर साउंडिंग वर्ड एज मुरली इज मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग, ठीक है? यस यस यस, मुदलियार आयोग. देन आफ्टर 52 सीधे हम आए 1964 में. 64-68 तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि 68 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी. तो कृष्ण जी ने मुदली बजाई. सो ठीक है, कृष्ण जी ने मुरली बजाई तो क्या हो गया? हम सब बहुत क्या हो गए? कठोर हो गए. कठोर इन द सेंस वी गॉट स्ट्रॉन्ग. सो 1964 में आया आपका कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन. क्लियर? हाँ, कोठारी आयोग. देन 1964 के बाद कोठारी आयोग एक बहुत बड़ा कमीशन है, जैसे आपका राधा कृष्णन कमीशन है, ये यूनिवर्सिटी कमीशन था. इसको हमने बोला यूनिवर्सिटी कमीशन. मुदलियार कमीशन को हमने बोला सेकेंडरी कमीशन. ये एक सेकेंडरी आयोग था, मतलब सेकेंडरी शिक्षा के लिए. कोठारी कमीशन को हमने बोला इंडियन एजुकेशन कमीशन, मतलब इन्होंने पूरे भारत का एजुकेशन को ओवरहॉल कर दिया था. ही गेव मेनी न्यू रिकमेंडेशंस फॉर द इंडियन एजुकेशन 1964. इन्हीं को फॉलो करके हमने 1968 में अपनी पहली एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, ठीक है? हाँ जी, जैसे हमने अभी शाम को एक लेक्चर लिया था, हमने आपको रीसेंट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था. बट ये शुरुआत सिलसिला हुआ था 68 से, क्योंकि कोठारी कमीशन के दिशा निर्देश पे बनी थी न्यू एजुकेशन. इसके रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊंगी. 68 के बाद क्या हुआ? 68 के बाद काफी सारे कमीशन आए, दैट आई विल टेल यू. इट वॉज आचार्य राममूर्ति कमीशन, ठीक है? देन यू सॉ सम कमीशन बीच में, जो 1919 में आए थे. बट बिफोर दैट यू हैड अ वेरी रिमार्केबल कमीशन, जो कि है 1986 को आप उल्टा कर दोगे तो इट इज 1986 में आपका ये कमीशन आया था, राजीव गांधी जी के टाइम पे, ठीक है? सो राजीव गांधी जी के टाइम पे आपका 1986 में एक और कमीशन भी था, बट इट वॉज टेकन एज अ एजुकेशन पॉलिसी. सो एक नई शिक्षा नीति थी 1986 में. आप याद कर सकते हैं 68 और 86 दोनों मतलब गांधी परिवार के तहत आए थे, 86 राजीव गांधी जी के टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट था. इसको 1992 में अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था. फाइन, इसको हम प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, POA, प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं. 1992 में इसको अमेंड किया गया था, ठीक है? Then what happened after 1992? Another commission came in the year of 1990s and 92. It was followed by the Yashpal Committee, Yashpal Ayog. Right?
हाँ 1909 नहीं, 1909 नहीं, हम अभी बहुत आगे आ चुके हैं। सो ब्रॉड क्रोनोलॉजी आपकी ऐसी है, आप याद करने को आप ऐसे इवेंट्स याद याद कर सकते हैं, एक एक करके हम आपको अब बताएंगे ताकि आप सारी चीजें याद करो। फाइन, हाँ जी। सो सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले द फर्स्ट कमीशन दैट केम इन 1948 वाज द राधा कृष्णन कमिटी। मिस डॉक्टर राधा कृष्णन, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन थे ये हमारे, ये भारत के कौन थे, मतलब ही वॉज ही द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट, यू मस्ट बी नोइंग दैट, राइट। सो डॉक्टर राधा कृष्णन जी, ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ वॉट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फोटो है, अगर आप इसके एलुमनाई हैं तो आपने देखा होगा, ये यहाँ से बिलोंग करते थे। इनका जो मेन मुद्दा था, द वे ही ब्रॉट द कमिटी, क्यों, इन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे। ही गेव मेनी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, और इनका मानना क्या था कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, वो हमारी सबसे वीकेस्ट लिंक है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है दैट इज द वीकेस्ट लिंक, और उसको सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो राधा कृष्णन कमिटी 1948 में आया, 48-49, इसको बोला गया था 1948 में, नवंबर 1948, इसने अपने रिकमेंडेशन सौंपे अगस्त 1949। आप याद रखेंगे, सबसे पहले प्रभु का नाम लेके शुरू किया राधा कृष्ण कमिटी, अगस्त 1949 में रिकमेंडेशन सौंप दिए थे। अब हम इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी आयोग था, राइट। हाँ, इट वॉज ही वॉज द ही वॉज लेट मी सी, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ही गेव मेनी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन, टीचर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि नया नया आयोग था, और इन्होंने भी सेकेंडरी शिक्षा को उन्होंने बोला बहुत वीक है, वी विल बी गिविंग रिकमेंडेशन अबाउट द इंटायर यूनिवर्सिटीज। तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने बोला कि रिसर्च के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इंडिया वॉज न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। मेडिकल एजुकेशन में उन्होंने बोला 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अनदर रिकमेंडेशन ही गेव वाइवा वॉइस, जो आपका वाइवा होता है वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया था कि फिजिकल एग्जाम सिर्फ आपका साल में एक बार होना चाहिए। सिंस ही वॉज गिविंग रिकमेंडेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला हर यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल होना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में एक हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए। ऑल द यूनिवर्सिटी शुड बी कंटेनिंग वन हॉस्पिटल एंड वन हेल्थ सेंटर। क्लियर, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग द पीपीटी। यस यस, आई मेड इट, एंड जस्ट पॉइंटर, सिर्फ पॉइंट लिखे हैं मैंने, रादर देन आई थॉट राइटिंग इट, मैं पॉइंटर्स लिख के लेके जाती हूँ। ही ऑल्सो रिकमेंडेड समथिंग लाइक एनएसएस, नेशनल सोशल सर्विस। तो उन्होंने बोला कि हर बच्चे में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये भावना होनी चाहिए कि वो सोसाइटी को सर्व करे। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए बोला कि कॉलेजेस शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जैसे हो जाता है ना, कॉलेज में यूनियन बन जाती है, अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डीयू में, ठीक है, डूसू हो रहा है, देन यू हैव जेएनयू में चुनाव हो रहे हैं, सो एबीवीपी एंड ऑल दैट। सो ही वॉन्ट द पीपल कि कॉलेजेस में वॉट एवर यूनियंस यू आर मेकिंग, दे शुड नॉट बी पॉलिटिकल। ही ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, उन्होंने बोला यूजीसी जैसा एक संस्था बनना चाहिए जो कॉलेजेस को अनुदान दे। अ यूजीसी लाइक बॉडी शुड बी फॉर्म दैट शुड बी ग्रांटिंग एड्स टू द कॉलेज। क्लियर क्लियर, यस यस। देन ही ऑल्सो सेड दैट एग्रीकल्चर एजुकेशन बनना चाहिए, एग्रीकल्चर भी हमें फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करने के लिए यूनिवर्सिटीज में रिकमेंडेशन दिए थे। राइट राइट, आई विल बी ट्राइंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, डू नॉट वरी, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, द अदर फ्यू रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वॉज ही गेव अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ द हायरार्की ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि हाउ द हायरार्की ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी। सो आई विल चेंज द कलर अगेन। यस, एट द टॉप लेवल देर शुड बी अ चांसलर, देन देर शुड बी अ वीसी वाइस चांसलर, देन देर शुड बी अ सिनेट और कोर्ट, एक सिनेट होना चाहिए, फिर एक सिंडिकेट होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दीज पर्टिकुलर ऑर्डर, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन लास्ट में इट शुड देयर शुड बी एन एकेडमिक काउंसिल जो आपके एकेडमिक डिसीजंस लेंगे, ठीक है। सो ही गेव एन हायरार्की
First the chancellor, then vice chancellor, then senate, then syndicate, then academic council. एक बार मुझे यस मैम बोलते जाओ प्लीज. इट्स इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव कवरेज, ट्रस्ट मी. वी हैव आई मीन आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट. आपका कोई भी पॉइंट इससे मिस नहीं होगा, ठीक है? सो काइंडली प्लीज शो योर सपोर्ट एंड काइंडली लाइक द सेशन. ओनली 230 पीपल हैव लाइक्ड इट, राइट? मोर, वी हैव मोर देन 350 पीपल ज्वाइनिंग. हाँ जी. सो ऑल्सो एक और रिकमेंडेशन दिया था. अकेडमिक काउंसिल तो हो गया. अकेडमिक काउंसिल के बाद देर शुड बी देन फैकल्टीज. फैकल्टीज आती हैं, फिर होगा बोर्ड ऑफ स्टडीज, फिर होगा फाइनेंस कमिटी, फिर होगा सिलेक्शन कमिटी. सो दिस वॉज द रफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि राधा कृष्णन जी ने दी थी. फिर राधा कृष्णन जी कृष्ण जी की क्या होती है? मुरली. मुरली से याद रखना मुदलियार कमीशन. You remember the second commission that came in the independent India is the Secondary Education Commission by Lakshman Swami Mudaliar. He was Lakshman Swami Mudaliar, right? Here. You can see here. So, ye Madras University mein inka aisa aapko statue bhi dikhega. Theek hai? Clear? Right? Yes. So here we can see since he belonged to the Madras University, we can find him standing bright and tall there at the Madras University. So this commission was formed on September 1952. The report was given on 2nd October 1952, came into action June 53. So 52 October mein report di thi, lagu hui thi 1953 mein. सो ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ही वॉज अ गांधीयन, ठीक है? काफी सारी इनके बारे में चीजें हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्या क्या बोला था इस कमिटी ने, मुदलियार कमिटी ने क्या बोला था? मुदलियार कमिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी. द मेन फोकस वॉज सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है? सो हम कैसे याद कर सकते हैं? यस, आई विल गिव यू थ्री हिंट्स. स है, सर से यू कैन रिमेंबर थ्री स, थ्री एसेस. वन इज सेकेंडरी, अनदर इज सेस, अनदर इज स्ट्रेंथ. ये इनके ब्रॉड रिकमेंडेशन थे. स्ट्रेंथ भी इन्होंने बताई थी कि हर एक सेकेंडरी लेवल पे हाउ मेनी स्टूडेंट शुड बी देयर. ही ऑल्सो सेड दैट अ सेस क्या होता है? अ टैक्स ऑन टैक्स. सो देयर शुड बी अ टैक्स ऑन टैक्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग दैट शुड बी इंट्रोड्यूस. वोकेशनल ट्रेनिंग पे एक टैक्स ऑन टैक्स होना चाहिए जिसको हम यूज कर सकते हैं. सो मुदलियार कमीशन का तीन स याद रखना, सेकेंडरी, सेस एंड स्ट्रेंथ. क्लियर? हाँ जी. फिर जल्दी से देखते हैं इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस. इन्होंने पूरा सेकेंडरी सिस्टम को एग्जामिन किया, रीऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूविंग ऑफ द सेकेंडरी सिस्टम का बोला. ही सेड दैट वोकेशनल गाइडेंस शुड बी गिवन. ही टोल्ड दैट बच्चों में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप होनी चाहिए, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए. ही स्ट्रेस्ड ऑन थिंग्स लाइक हैबिट्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स. उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो वर्बलिज्म में नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं हम सिर्फ वर्बल एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, नहीं. It should not be verbal. We should move to activity method and project method. हमें activity और project method में move करना चाहिए. Clear? हाँ जी. Then इन्होंने बोला कि आपको जो middle और senior school है वो 3 साल का होना चाहिए और secondary education सिर्फ 5 साल बाद ही commence होनी चाहिए. So primary education के 5 years बाद the secondary education should be commencing. हायर एजुकेशन शुड बी अगेन ऑफ 3 years. सो जो हमने आज किया है, राइट, 5 + 3 + 3 + 4, कुछ इससे मिलता जुलता पैटर्न नहीं लग रहा है. ही गेव वे बैक इन 1952, राइट? हाँ जी, वेरी नाइस. देन ही ऑल्सो सेड दैट स्कूल्स में हमें टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए. उन्होंने बोला कि 3 साल का यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना चाहिए. ही ऑल्सो सेड सेकेंडरी एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है. इन्होंने टीचर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में भी काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, राइट? क्लियर है? हाँ जी. ही गेव सर्टेन प्रिंसिपल्स. इन्होंने बोला कि जितना भी हम शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा हम दे रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग एंड लीजर, मतलब बच्चों में कुछ लीजर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, है ना? जैसे होता है गेम्स एंड ऑल दैट. इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन भी बच्चों को आना चाहिए. वेराइटी एंड इलास्टिसिटी. सो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे व्हाट वर द 3 प्रिंसिपल्स गेव बाय द
मुदलियार आयोग और द सेकेंडरी कमीशन, दीज वर द थ्री प्रिंसिपल, ट्रेनिंग एंड लीजर, इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, वेराइटी एंड इलास्टिसिटी. क्लियर? यस, वेरी नाइस. फिर अब राधा कृष्ण आए सबसे पहले. ठीक है, हमने सबसे पहले शुरुआत की राधा कृष्ण का नाम लेके. कृष्ण जी बनाते हैं मुरली, मुदलियार कमीशन आया. मुदली मुरली हमने सुनी, सो वी गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वी गॉट सम स्ट्रेंथ, तो हम कठोर हो गए, दैट इज कोठारी कमीशन. फिर आया आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन ऑफ ऑल टाइम्स. वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर प्लानिंग टू गिव रिलेटेड टू टीचिंग, यू हैव टू स्टडी. 64 से इसको 66 भी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि रिपोर्ट इन्होंने 66 में सबमिट की थी, बट द रिकमेंडेशंस वर कैरीड अलोंग टिल 68. क्लियर? फाइन. हाँ, काइंडली डोंट टॉक टू इच अदर, काइंडली फोकस, राइट? वी ऑल आर हेयर एट 10:30 इन द नाइट, सो वी आर नॉट हेयर टू चिट चैट, वी ऑल आर हेयर टू स्टडी एंड स्टडी विथ ऑल द अटेंशन. सो कोठारी कमीशन, ही वॉज मिस्टर दौलत सिंह कोठारी. इनका नाम क्या है? इनका नाम था, आई मीन स्टिल ही इज सम वेरी बिग पर्सनैलिटी, डॉक्टर डी एस कोठारी. तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी का इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तब बनाया, जुलाई 1964 में बनाया गया था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही उस टाइम का फॉरवर्ड लुकिंग कमीशन था, बिकॉज दिस कमीशन हैड 7 इंडियन मेंबर्स, 7 इंडियन मेंबर्स थे, 5 फॉरेन मेंबर्स भी थे. सो दे वर पीपल फ्रॉम 5 कंट्रीज, जापान, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड यूएसए. इट ऑल्सो हैड 20 कंसल्टेंट फ्रॉम द यूनेस्को. क्लियर? क्लियर? हाँ जी. सो इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. ये कब आई थी? जून 1966 में. सो 1964 में द कमीशन वॉज फॉर्म्ड, जुलाई 1964 टू बी प्रिसाइज. देन जून 1966 में ही गेव द रिपोर्ट. द रिपोर्ट वॉज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. क्लियर? यस. इनके रिकमेंडेशंस जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है 10+2+3, ऑल दीज थिंग्स. तो कोठारी कमीशन को आप याद करोगे कि आई टोल्ड यू दिस, राधा कृष्णन, कृष्ण जी ने मुरली बजाई, मुरली सुनकर हम कठोर हो गए, स्ट्रांग हो गए. कितने गुना स्ट्रांग हुए? 3 times. हम 3 times स्ट्रांग हो गए. सो कोठारी कमीशन इज क्लोजली रिलेटेड टू नंबर 3. नंबर 3 कैसे? ही रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न, ही रिकमेंडेड द 3-language फॉर्मूला, राइट? ऑल दीज थिंग्स वर रिकमेंडेड बाय हिम. क्लियर? हां जी, हां जी. सो लेट्स सी द फ्यू रिकमेंडेशन. फोकस ऑन साइंस. कोठारी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि साइंस पढ़ाना चाहिए. पूरे स्कूलों को मॉडर्नाइज करना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए. ही वॉज वेरी पर्टिकुलर विद द वुमेन एजुकेशन. तो वुमेन एजुकेशन, ट्राइबल एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लास एजुकेशन. क्लियर? यस. ही ऑल्सो सेड दैट वी शुड बी गिविंग फ्री टेक्स्ट बुक, राइट? गांधी जी यूज टू से, तो टेक्स्ट बुक फ्री में दो, स्टडी मटेरियल फ्री में दो. ही ऑल्सो सेड दैट सोशल एंड नेशनल सर्विसेज शुड बी देयर. मॉरल साइंस का भी पीरियड होना चाहिए क्लासरूम्स में. सो मॉरल साइंस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन. ही सेड दैट रिटायरमेंट ऑफ टीचर्स शुड बी 60 years. हमें 60 years में टीचर्स को रिटायर कर देना चाहिए, राइट? और उन्होंने बोला कि लिबरल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑफ स्कूल टीचर्स. स्कूल टीचर्स की जो सैलरी होती है, हमें उसको बढ़ाते रहना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? 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 यस. देन ही सेड समथिंग अबाउट द एंटायर ओवरहॉलिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. लोअर प्राइमरी में हमें बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन सिखाना चाहिए. वोकेशनल एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल. सो लोअर प्राइमरी में सिंपल हैंडवर्क, अपर प्राइमरी में हमें इनको क्राफ्ट सिखाना चाहिए, क्राफ्ट. लोअर सेकेंडरी में वी शुड बी गिवन देम वर्कशॉप ट्रेनिंग, जैसे गार्डनिंग. हायर सेकेंडरी में हमें इनको हाउस ट्रेनिंग, कमर्शियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो ही गेव द रिकमेंडेशन, ही गेव द रिकमेंडेशन फॉर ऑल द लेवल्स, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी. हैंडवर्क, क्राफ्ट, वर्कशॉप ट्रेनिंग एंड हाउस ट्रेनिंग. क्लियर? ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? हाँ. सो एक जो बहुत ही बड़ा रिकमेंडेशन था,
जिसको हम सब अभी तक फॉलो कर रहे हैं. वी ऑल हैव बीन फॉलोइंग टिल नाउ. आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोबेबली इट विल बी वॉट 5+3+3+4. बट ही रिकमेंडेड 10+2+3 सिस्टम जो हम अभी तक फॉलो करते थे. ही ऑल्सो गेव द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. तीन तीन भाषीय फॉर्मूला कोठारी जी ने दिया था. क्या है तीन भाषीय फॉर्मूला कोठारी जी का? एक होनी चाहिए मदर टंग, एक होनी चाहिए हिंदी या आपकी कोई नेशनल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज तो हमारी है नहीं, आई एम सॉरी, या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए या एक फॉरेन एंड इंग्लिश लैंग्वेज. सो ही गेव थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. सो आई टोल्ड यू हम कोठारी से क्या हुए, कठोर हुए थ्री टाइम्स. सो थ्री इज वेरी इंटीग्रल टू हिज रिकमेंडेशन. राइट? आर यू गाइज एंजॉइंग? आर यू गाइज एक्चुअली आई मीन एबल टू रिटेन? ओनली पॉइंटर्स आर देयर, कोई टेक्स्ट नहीं है. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एज वेल. तो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट दिस इज डिफरेंट. तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए क्या है, हिंदी शुड बी द मदर टंग. एनी मॉडर्न नेशनल लैंग्वेज शुड बी अनदर लैंग्वेज. द थर्ड लैंग्वेज शुड बी एन इंग्लिश और अ फॉरन लैंग्वेज. तो जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, इन सब में ये फॉर्मूला लगेगा. राइट? हाँ जी. फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो कि आपके मोस्टली सदर्न इंडिया के हैं, फॉर एग्जाम्पल केरला, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो कि अब हो गया है, मदर टंग शुड बी वन, हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज शुड बी अनदर, इंग्लिश और फॉरन लैंग्वेज शुड बी द थर्ड लैंग्वेज. सो मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, आप आंध्र प्रदेश के हैं, तो मदर टंग सिखाई जाएगी तेलुगु, फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश सीख सकते हो, नेशनल लैंग्वेज में हिंदी सीखोगे. सो यू विल बी लर्निंग इन शॉर्ट तेलुगु प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी. सो दिस विल बी द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. क्लियर? एनी डाउट? यस. देन कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन जो हम बहुत कम सुनते हैं. सो अगेन एज आई एम सेइंग दिस सेशन हैव बीन रिसर्च्ड क्वाइट थरली. ठीक है, शायद कुछ पॉइंट्स मेरे पहले भी मिस हो गए होंगे. सो कोठारी कमीशन के बाद एक और कमीशन आया जिसका नाम था ईश्वर भाई पटेल कमेटी. ईश्वर भाई पटेल कमेटी इन 1977. क्लियर? हाँ जी. सो हु वॉज ईश्वर भाई? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल कमेटी, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ही वॉज एसोसिएटेड विद द गुजरात यूनिवर्सिटी. ये गुजरात यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी थी जिसका नाम था वर्क एक्सपीरियंसेस, कि हमें बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस सिखाना चाहिए. ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977. ही वॉज द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी. ही गेव द रिव्यू ऑफ 1968 कमेटी. सो जो आपका कोठारी कमीशन और ये था, इन्होंने इसका एक तरीके से रिव्यू दिया था. सो 68 में यू ऑल्सो सॉ योर फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज योर एजुकेशन पॉलिसी, जो कि ऑलमोस्ट सब रिकमेंडेशन था कोठारी कमीशन जैसा. अनदर थिंग दैट वॉज देयर इन 68 पॉलिसी वॉज 6% ऑफ GDP और नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, जो कि 68 में था. तो ही सेड करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल. इन्होंने बोला फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे, वर्क एजुकेशन एज यू कैन सी हियर, वर्क एक्सपीरियंस शुड बी देयर. ठीक है, हाँ, ये पहली बार सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए. ईश्वर भाई पटेल कमिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके बाद ईश्वर भाई पटेल कमेटी के बाद एक और रिव्यू कमेटी आई जिसका नाम था प्लस टू नेशनल रिव्यू कमेटी. व्हाट वाज द नेम? प्लस टू नेशनल रिव्यू कमेटी. प्लस टू नेशनल रिव्यू कमेटी अक्टूबर 1977. अगेन अ कमेटी केम, द नेम वाज, हाँ, अगेन द कमेटी केम, द नेम वाज डॉक्टर अधि सेशैया. अंडर डॉक्टर अधि सेशैया एक और कमेटी आई थी, वो भी रिव्यू कमेटी थी. ठीक है, इन्होंने बोला सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, प्लस टू कोर्स को सब जगह वोकलाइज कर दो. देन फाइनली हम आ गए राजीव गांधी जी के टाइम. सो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लॉन्च किया था भारत में इन द ईयर 1986. गेटिंग माई पॉइंट? हाँ,
19, 8, डरो मत डरो मत, ठीक है। कुछ अगर नया भी है तो ट्राई टू रिमेम्बर इट, ट्राई टू फ्रेम इट हेयर, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें। यस, सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये स्टार्टेड इन 1984 में शुरू हुई थी, बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1986, ठीक है। सो इन्होंने क्या क्या बोला, ही सेड दैट इट वॉज इनडायरेक्टली कॉल्ड एज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑल्सो बिकॉज ही वॉज वेरी एक्शन ओरिएंटेड। इट वॉज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी, मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड द मोस्ट मॉडर्न पॉलिसी ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। बिकॉज अभी तक हम 1986 को ही तो फॉलो कर रहे थे, हमने 34 साल बाद, 34 years बाद हमने इसी पॉलिसी को चेंज किया है 2020 में। सो ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि 10+2+3 ही करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था कि हर स्कूल में प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक आपका ब्लैक बोर्ड आ जाना चाहिए। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, अभी पीपीटी बनाई है जल्दी जल्दी में, सो यस ब्लैक बोर्ड क्लियर। हाँ जी, देन ब्लैक बोर्ड दिया और रिकमेंडेशन का क्या था, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। ही सेड दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इक्वली टू एवरीवन। ही ऑल्सो सेड दैट नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको आप एनसीएफ बोलते हो, एनसीएफ, सो नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क शुड ऑल्सो बी देयर। ही गेव सम रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट ईच स्टेज, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कुछ एक मिनिमम लेवल होना चाहिए जो बच्चों को आना ही चाहिए। क्लियर क्लियर। हाँ ना, आपके अभी तक तीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई हैव टोल्ड यू इवनिंग में भी, 68, 1986 एंड फाइनली 2020। इसके पहले अमेंडमेंट था 1992 में। He also said something about open schooling and distance learning. इसी के बाद आपका इग्नू भी इसके बाद ही, I mean around this time came. So open schooling पे focus किया, distance learning पे focus किया. Then you had your distance education council, जो कि आपका पहले it was under इग्नू, अब ये UGC के तहत आ गया है. Clear? Yes. So he said that introduction of computers in school, because you know Rajiv Gandhi ji is said to be, he started the IT revolution. So 86 se lekar 90s ka jo time tha, isme inhone IT revolution start kiya tha. So he said that har school mein computer should be there, introduction of computers in school. He also said that universalization of learning up to 14 years of age. So yahan se shuruaat ho gayi thi, school chale hum. राइट टू एजुकेशन आपको पता है, RTE, जो बाद में लेटर लागू हुआ, एजुकेशन फ्रॉम आर्टिकल 45 DPSP वॉज मेड एज अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। और इससे पहले 1976 में हमने शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, एजुकेशन वॉज पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन वॉज पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट बाय इन द ईयर 1976 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यू कैन रिमेंबर 4+2 इज 6, सो कॉन्करेंट लिस्ट में आया था 1976 में। शिक्षा को हमने राइट टू एजुकेशन बनाया था 21A में बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। सो ही सेड दैट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग शुड बी डन अप टू द 14 इयर्स ऑफ एज। क्लियर है? एनी डाउट? थैंक यू सो मच राजेश। हाँ क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके और रिकमेंडेशन। इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई नवोदय विद्यालय खोलिए, सो जवाहर नवोदय विद्यालय इन्हीं के रिकमेंडेशन से बने थे। व्हाट डिड ही से कि वी शुड बी ओपनिंग नवोदय विद्यालय। सो यू हैव हर्ड अबाउट द जवाहर नवोदय विद्यालय, दैट वॉज ऑल्सो अ रिकमेंडेशन ऑफ 86। प्रमोशन ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर हेरिटेज साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। सो इंडिया का हमें कंपोजिट कल्चर हेरिटेज साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। ही ऑल्सो गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि हमें NCERT को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें डाइट लाना चाहिए, हमें NCTE लाना चाहिए, उनको मतलब दे आर देयर बट वी हैव टू स्ट्रेंथन देम।
देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी 1990 में आई थी, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी. प्लीज नोट इट डाउन इन केस यू आर नॉट नोटिंग और यू आर नॉट टेकिंग स्क्रीन शॉट, काइंडली डू इट. क्लियर? हाँ जी. सो आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी, आप देखें आचार्य राममूर्ति जी कितने सिंपल और सुलझे व्यक्ति लग रहे हैं. इनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है. सो ही वॉज अ वेरी सिंपल गांधीयन एक्टिविस्ट, बहुत सिंपल व्यक्ति थे. इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए. द टाइटल ऑफ हिज रिपोर्ट, द रिकमेंडेशन वॉज टूवर्ड्स एन इनलाइटेड ह्यूमन सोसाइटी. सो हम एक इनलाइटेड ह्यूमन सोसाइटी की तरफ हमें जाना है, ठीक है. क्लियर? 1990. तो अब देखो, इन्होंने ना बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशंस दिए थे कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए. ही सेड दैट रिफॉर्म्स इन एवोल्यूशन, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का, वो बहुत मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए. इट शुड बी फोकसिंग ऑन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल dimensions as well. He stressed focus on value education as well. Common school system, जो कि हम भूल चुके हैं, अब वापस से लाना चाहिए, reform होना चाहिए, social और psychological development में भी focus किया जाना चाहिए. Clear? Yes, towards an enlightened human society. Then he gave a very important and a very amazing recommendation that was very nice, because 90s में ही आपका नरसिम्हा राव जी के टाइम आपका क्या आने वाला था, योर पंचायती राज 1993, ठीक है, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो ही सेड दैट वुमेन एजुकेशन शुड बी ट्रांसफर टू PRI. जो महिलाओं की शिक्षा है, हमें उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे देना चाहिए. राइट? क्लियर? हाँ. तो नेक्स्ट कमिटी आई थी, जो कि एक रिव्यू कमिटी थी, जिसका नाम है जनार्दन रेड्डी कमिटी. जनार्दन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे. तो आचार्य राममूर्ति और जनार्दन रेड्डी कमिटी को मिलके ही हमने अपने फर्दर कमिटीज के रिकमेंडेशंस बनाए थे. सो बोथ आर इंपॉर्टेंट. It also came in the year 1990-1991. So Janardhan Reddy and Acharya Ramamurthy Review Committee, he gave towards an enlightened human society. Clear? Fine. Yes. So he gave few recommendations. Very important. तो इन दोनों के recommendations को मिलाकर हमने कुछ अपना 86 policy को amend कर दिया था. हमने 1992 में इसमें amendment ला दिए थे. क्या? He said that कि तीन क्लासरूम और तीन टीचर हर एक छोटे स्कूल में होना चाहिए. तीन क्लासरूम, तीन टीचर्स हर एक छोटे स्कूल में होना चाहिए. राइट? ही सेड दैट 50% टीचर्स शुड बी सॉरी अगेन एज आई टोल्ड अभी पीपीटी बनाया है, कुछ गलतियां हो गई हैं. 50% टीचर्स शुड बी फीमेल्स. महिलाओं को हमें 50% एक प्रकार से उनको रिजर्वेशन, अनसेड रिजर्वेशन देना चाहिए. ही सेड दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय 2000. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 2000 तक. देन वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी केम 1992. इनको हमने बोला यशपाल कमिटी. सो डॉक्टर यशपाल, ही वॉज अ वेरी लर्नर्ड मैन, बहुत ही मल्टी फसेटेड व्यक्ति रहे हैं ये. MIT से आए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ही गेव सर्टन रिकमेंडेशंस टू द UPA गवर्नमेंट. सो कपिल सिब्बल जी उस टाइम HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको अपनी रिकमेंडेशन सौंपी थी. द मेन हाईलाइट ऑफ दिस कमिटी वॉज लर्निंग विदाउट बर्डन. हमें जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हमारी बर्डन के रहित होनी चाहिए, ठीक है. कोई बोझ नहीं होना चाहिए बच्चों पर. ही सेड दैट डीम्ड कॉलेजेस शुड बी रिमूव्ड. आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? या तो आप इनको पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दो, या इनसे ये स्टेटस भी ले लो. ही सेड दैट ग्रुप अचीवमेंट्स में रिवॉर्ड्स देने चाहिए. वी शुड बी गिविंग रिवॉर्ड्स टू द ग्रुप अचीवमेंट. ही सेड दैट टेक्स्ट बुक प्रेप शुड बी कोऑर्डिनेटिव इन नेचर. मतलब हम जब भी टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, पहले तो हम उनको बहुत ही हल्का बनाएं, बट वो कोऑर्डिनेटिव इन वेंचर होनी चाहिए, ठीक है. क्लियर? यस. देन ही ऑल्सो गेव सर्टन रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द टीचर प्यूपल रेशियो. उन्होंने बोला कि टीचर प्यूपल रेशियो को हमें रिड्यूस कर देना चाहिए. इट शुड बी 1:30.
ही सेड दैट बी एड शुड बी रेगुलर एंड फुल टाइम, क्योंकि बी एड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फुल टाइम कर दो और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। और उन्होंने बोला इन आईआईटीज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देके रखी है, आईआईटीज को बोलो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, आईआईटी शुड बी डाइवर्सिफाइंग देमसेल्फ, और बाकी कॉलेजेस में भी अपना नॉलेज ट्रांसफर करें, राइट। ही ऑल्सो गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन कि जो अब हम कर रहे हैं, हमें AICTE, हमें UGC, इन सबको रिप्लेस करके एक हायर एजुकेशन काउंसिल बना देनी चाहिए, एंड द पावर द स्टेटस ऑफ दिस काउंसिल शुड बी सिमिलर एज इलेक्शन कमीशन, जैसे हमारा चुनाव आयोग है उसी लेवल का आपका हायर एजुकेशन काउंसिल होना चाहिए, उतना ही इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब सरकार का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग योर एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, काफी सारी कमिटीज हैं, आई होप यू विल बी रिमेम्बरिंग देम। सो आफ्टर दिस यशपाल कमेटी के बाद अब आपको पता है द लैंडमार्क थिंग दैट हैपेंड, सो जस्ट अ मिनट, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 2019 में कस्तूरी रंगन रिपोर्ट थी, आपको पता है, राइट। सो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बाद वी एडॉप्टेड फाइनली, कल ही इसका एक साल पूरा हुआ है, 29th जुलाई 2020 को द कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आफ्टर दैट फाइनली वी हैड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड उसके रिकमेंडेशंस मैं आपको आज 5:30 बजे वाली क्लास में बता चुकी हूँ शॉर्ट में। सो वी हैव अडॉप्टेड 5+3+3+4 का पैटर्न इन दिस न्यू पॉलिसी, सो नाउ वी हैव काइंड ऑफ रिवैम्प्ड, अब हमने नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं, काफी सारा ओवरहॉलिंग हो गई है शिक्षा की बहुत सालों बाद, जो कि 5:30 पे जो लेक्चर है प्लीज देख लेना, क्लियर, एनी डाउट। So these were the all the committees and the recommendations in short, along with their short details and their basic structure. बहुत important है technique trick भी याद रखना, राधा कृष्णन से शुरू किया, राधा मुरली कठोर into three, then you have various review committees, education policy 68, 86, 2020. All this we have completed. We'll meet in some other session in probably next class. Kabhi aur jab milenge, tab hum pre-independence ke sessions karenge. Clear? Theek hai? Haan. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining me today. And a very good night. Achche se aaram kariye, so jaiyega. Thak gaye hain. And have a very great weekend ahead. We'll meet soon again on Monday. Clear? Chaliye. Bye bye. Also yes, do like and share again, and please let me know in the comment section ki how did you like the class, kaisi lagi class, maza